आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी विभाग की टीम ने दानापुर के गोला रोड स्थित इंदिरा इनक्लेव में सिवान में पदस्थापित जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के आवास पर छापेमारी की। सुबह कार्यपालक अभियंता हरे कृष्ण प्रसाद के आवास पर निगरानी विभाग की टीम छापेमारी कर एक एक चीज की गहन जांच कर रही है। इस अवसर पर निगरानी विभाग के अधिकारी ने बताया कि अब तक की छापेमारी में लगभग 53 लाख रुपए नकद, 5 लाख में पुराने नोट, 4 डीट के कागजात तथा 8-10 बैंक के पासबुक भी जब्त किए गए हैं। गौरतलब हो कि कार्यपालक अभियंता हरे कृष्ण प्रसाद का सिवान से तबादला हो गया है और वो आज ही बख्तियारपुर में पदभार ग्रहण करने गए हुए हैं। कार्यपालक अभियंता जन संसाधन विभाग इधर तक सिवान में पोस्टेड हैं। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला निगरानी में दर्ज हुआ है। उसी सिलसिले में कोर्ट से सर्च वारंट लेकर के आज इनके पटना स्थित आवास पर निगरानी की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 53 लाख रुपया नकद, इसके अतिरिक्त पुराना नोट भी लगभग 5.5 लाख रुपया, ज्वेलरी, 4 डीड का कागजात, लगभग 8-10 की संख्या में पासबुक इनके आवास से अभी तक बरामद हुआ है और अभी सर्च की कार्रवाई चल रही है। कहाँ पोस्टेड है सर? अभी वर्तमान में है कार्यपालक अभियंता, लेकिन सुनने में आया है कि आज ही ज्वाइन करने गए हैं बख्तियारपुर, इनका वहां से ट्रांसफर हो गया है।